ये वाला जो लैंप है मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, $130 का है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई, आज कुछ भी क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सोचा कि घर में डस्टबिन नहीं है तो डस्टबिन लेने जाना है, तो बस वॉलमार्ट टारगेट ऐसी जगह जा रही हूँ शॉपिंग करने। मैंने लंच कर लिया है और अभी बर्तन धोने थे, पर पहले सोचा कि जाके शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। तो बस अभी लिफ्ट में हूँ। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंड है। आ गई हूँ मैं, ये देखिए, पहले तो जाऊंगी डॉलर ट्री में। यहाँ पर सारी चीज़ें $1 में मिलती है, अभी $1.25 में मिलती है, पहले तो सिर्फ $1 में मिलती थी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ सस्ता मिला, घर की चीज़ें लेनी है तो देखते हैं। ये देखिए, ये रही पार्किंग। ये बॉक्स बहुत अच्छा है, ये पर मैं तो लूंगी नहीं, ऐसे फालतू का खर्चा तो करती नहीं हूँ मैं, पर ये इयररिंग्स वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है ग्लास $1 में, अच्छे ग्लास है ये, $1 का है। और देखिए इतनी सारी चीजें हैं। ये कैलेंडर मुझे अच्छा लगा डेस्क पे रखने के लिए, मैं रख सकती हूँ और कुछ लिख भी सकती हूँ क्या इम्पोर्टेंट है इस मंथ में, क्या क्या सारे काम करने हैं, पर नहीं लेती हूँ, रहने दीजिए। ये डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे लकड़ियाँ है, यहाँ पर ये कोट वगैरह लिखे हुए हैं। ये कैंडल अच्छे लग रहे हैं, अपने आप जलते हैं, इनको जलाने की ज़रूरत नहीं है, $1.25 के है और इसमें टोटल 240 आवर्स तक जलते हैं। ये डॉलर ट्री में सब $1 का मिलता है, तो ऐसे लगता है कि इतना सस्ता तो है यहाँ पर, क्योंकि बाहर यहाँ पर बहुत ही महंगी चीज़ें मिलती है, तो बहुत ही ऐसा मन रोक के रखना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, फालतू का खर्चा नहीं करना है। ये है बच्चों का सेक्शन, तो यहाँ पर पजल्स, गेम, बुक, स्टिकर सब कुछ है। ये देखिए, इंडिया में गॉगल मिलते हैं ये ₹100 में, तो यहाँ पर $1.25 के है, इंडिया जैसा ही प्राइस है पर कुछ वैरायटी नहीं है। ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। ये देखिए ये कैसा लग रहा है। तो जो भी एक दो चीज़ें लेनी थी ले ली, अभी बिल करते हैं। और इसके बाजू में ही होम डेपो है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिलते हैं, छोटे छोटे, तो देखते हैं कैसे पौधे हैं, कितने के हैं, क्या है, और फिर उसके बाद जाएंगे टारगेट। ये सोप भी अच्छी है $1 की। तो अभी मैं आई हूँ होम डेपो में, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, तो बस देख रही हूँ। ये देखिए, ये ऑर्किड मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, बहुत अच्छा है, ये कलर भी बहुत अच्छा है देखिए, और ये रियल प्लांट है। यहाँ पर लिखा है लो मेंटेनेंस इजी केयर, ये वाले, ये दोनों पौधे मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो अभी देखते हैं कौन सा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर डुप्लीकेट कीज बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये ओरिजिनल की है और यहाँ पर डुप्लीकेट बन रही है, आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा कटिंग का। तो ये वाला पौधा मैंने ले लिया है, अभी जाना है टारगेट, कैसा है कमेंट करके बताइए। अभी जा रही हूँ टारगेट।
तो अभी मैं आई हूँ टारगेट में डस्टबिन और लैम्प देखने, क्योंकि घर के लिए वो चाहिए। यहाँ पर देखिए लैम्प है, और ये वाला जो लैम्प है मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, $130 का है, गिव अवे में रखा था किसी ने। यहाँ पर देखिए बाथरूम के लिए डस्टबिन देख रही हूँ, तो ये ब्लैक कलर की है और ये एक है, तो कौन से लो समझ में नहीं आ रही है। और ये किचन के लिए ये एक है और ये एक है, ये थोड़ी छोटी है और प्राइस $2 का डिफरेंस है, पर ये मुझे सही लगी तो मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर डस्टबिन है। यहाँ से लैम्प लिया मैंने, ये $10 का है, इसमें ब्लैक कलर था और ये सिल्वर कलर था, तो मैंने सिल्वर वाला लिया। डस्टबिन वॉलमार्ट में सस्ते है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो अभी वॉलमार्ट जाती हूँ, मैं तो थक गई हूँ। ये मुझे मेरे रूममेट को चाहिए था, तो ये अभी ले लिया है, अभी बिल करती हूँ। और यहाँ से लाइट लैम्प भी ले लिया, बस अभी बिल करके जाती हूँ वॉलमार्ट। तो अभी आई हूँ वॉलमार्ट में डस्टबिन देखने, होप सो यहाँ पर मिल जाए, नहीं तो अभी फिर से टारगेट जाना नहीं होगा, क्योंकि टाइम हो गया है। हो गई है शॉपिंग और अभी मैं घर जा रही हूँ। आ गई हूँ रिजर्व स्क्वायर में, मेरी रूममेट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो उसको बोला मैंने कि आ जाओ करके तुम। तो अभी ये सारे बिल्स देख रही थी, स्प्लिट वाइज में सारे बिल्स वगैरह डाल दिए, क्योंकि डस्टबिन वगैरह हमने कॉमन में ली है। देखिए मेरा प्लांट वहाँ पर रखा है, अच्छा लग रहा है। अभी भूख लगी है, थोड़ी देर में डिनर करती हूँ। बर्तन धो के रखने हैं, बहुत बर्तन है, सुबह से मैंने बर्तन ही नहीं धोए आज, तो अभी बर्तन धो के रख देती हूँ। बर्तन धो के तो हो गए हैं, और मेरी रूममेट ने आज चाय बनाई थी मेरे लिए, तो हमने बैठ के अभी चाय भी पी। और देखिए हमने ये डस्टबिन भी लगा दी है, देखिए ये डस्टबिन सबको पसंद आई है, कलर भी अच्छा लग रहा है। और ये बाथरूम में भी हमने लगा दी है डस्टबिन, अभी ये लगाना है। ये मेरी फेस की सोप है, जो कि मुझे डॉक्टर ने बताई है, तो ये मैं अभी निकाल रही हूँ। और ये साबुन, तो ये अभी अरेंज करती हूँ, देखिए ये ऐसे था और अभी इसको निकालना है, तो ये इस टाइप से है। देखते हैं, अभी पहली बार ये सब कुछ लगा रही हूँ, कैसे होता है क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे दिया हुआ है कि पहले ये लगाना है फिर ये है, तो अभी सब अरेंज करती हूँ, इजी ही है। तो ये लैम्प मैंने अभी लगाया, ये सारा कचरा अभी साफ करती हूँ। हो गया है सब साफ और अच्छा लग रहा है, ये लैम्प भी कलर भी अच्छा लग रहा है। ये कलर और हमारे वॉल का कलर मैच हो गया है, तो और अच्छा लग रहा है। अभी वीडियो एडिट करना स्टार्ट करती हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो गई है, तो अभी हम सब डिनर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 10 बज रहे हैं अभी। तो आज के डिनर में है दाल चावल। वीडियो एडिट करके हो गई है, अपलोड भी हो गई है, अभी बर्तन धोने हैं, बर्तन धोती हूँ फिर सोना है, क्योंकि कल तो लेक्चर है, तो अच्छे से नींद पूरी करनी है। तो सारे काम हो गए हैं, बस अभी थोड़ी रूम क्लीन करना है, मैं सोने से पहले रूम क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के सब कुछ सही लगे और दिन की शुरुआत अच्छे से हो। बर्तन धो के भी हो गए, और आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी भी नहीं की, पर वॉलमार्ट गए, टारगेट गई मैं, डॉलर जी गई और होम डेपोट भी गई, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली प्लांट लेके भी बहुत अच्छा लगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। देखिए मेरा प्लांट वहाँ पर रखा है, अच्छा लग रहा है। और अभी मैं सोच रही थी ये बैग मैंने कब यहाँ पर लाई,